नमस्कार, लाइमलाइट प्रोडक्शन में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लाइमलाइट न्यूज। अब खबरें विस्तार से। बंद करो देश को हिंदू मुसलमान में बांटकर बंद करो। मेहनत कर बल्कि आज क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम जो बनने जा रहा है, नागरिकता संशोधन बिल जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है, उस बिल के विरोध में क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन एक प्रदर्शन कर रहा है। और ये प्रदर्शन इसलिए है दोस्तों कि ये पूरे देश के भीतर हम देखें कि कैसे आज इस बिल के विरोध में तमाम जनता सड़कों पर है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर के अंदर, आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, मेघालय के अंदर, अरुणाचल के अंदर हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर के जामिया मिलिया इस्लामिया तक हज़ारों की संख्या में छात्र सड़कों पर हैं। निश्चित रूप से ये बिल जनता को बांटने वाला बिल है, उनकी नागरिकता को चुनौती देने वाला बिल है, धर्म के आधार पर नागरिकता को तय करने वाला बिल है। जब इस देश के आज़ादी का आंदोलन चला था, इस देश के भीतर हजारों की संख्या में क्रांतिकारियों ने अपनी शहादतें दी, उनमें हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध सभी धर्मों के लोग थे। जैसा कि राज साहब ने भी कहा है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन ये सरकार इस बिल के माध्यम से, NRC के माध्यम से, इस देश के उन तमाम शहीद मेहनत कशों के शहादत में सवाल खड़ा कर रही है। आज उनके बेटे बेटियों को इस बात के सबूत देने होंगे, वो कागज़ इकट्ठे करने दफ्तरों में लाइनें लगाएंगे जाकर के कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस बात को कैसे साबित करें। क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन इस बिल को रद्द करता है, इसको वापस लेने की मांग करता है, ताकि इस देश के तमाम नागरिक अपने हक और अधिकार के साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जीवित जी सकें।